मानसून का सीज़न चल रहा है और हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, मगर मेरी एक टेंशन होती है बारिश के टाइम पर, कि वो है ये कि जब भी मैं कपड़े मतलब धोकर सुखाती हूँ बारिश आ जाती है, कभी ध्यान भी नहीं दे पाते, भारी पड़े रहते हैं। उसके बाद इस तरीके से इनको गीले कपड़ों को अंदर डालना, यही एक सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम इसे डालें कहाँ पर, क्योंकि बाहर बारिश है और अंदर डालें कहाँ। तो बस उसी के लिए हम अंदर या तो तार वगैरह लगाते हैं जिससे कि हम उन कपड़ों को सुखा सकें, या फिर हम इन्हें सोफ़े बेड जो मिलता है जहाँ जगह मिलती है वहीं डाल देते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था कि जहाँ जगह मिलती है तार वगैरह तो नहीं लगाती थी, सोफ़े बेड कहीं भी डाल देती थी और उससे जो है कि स्मेल सी आ जाती थी। तो उसी का सॉल्यूशन मैंने एक निकाला है, क्योंकि बारिश है तो मैंने कहा बारिश तो रहेगी काफ़ी टाइम तक, और वैसे भी काफ़ी सही है, ठंड में भी आप इजीली, जैसे ठंड में भी बाहर धूप नहीं निकलती है तो भी आप इजीली अंदर कपड़े इसमें सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक स्टैंड मंगा लिया है कपड़े सुखाने का, जिसको मैंने अनबॉक्स कर लिया है, और ये इस तरीके का स्टैंड आया था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी तब पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही हूँ, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कैसे करना है, उसके बाद बहुत ही ईजीली ये मतलब खुल गया था। और इस तरीके से देखिए स्टैंड आता है, जिसको आप इस तरीके से बहुत ही कम जगह पर, बहुत ही कम स्पेस में आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गई और मैंने बालकनी में जितनी भी रस्सियाँ बांधी हुई थी वो सब हटा दी, क्योंकि इससे बालकनी में एक तो स्पेस भी कम रहता है, बैठने की जगह भी नहीं होती, और साथ में ही जब बारिश आती है उसके बाद भी बहुत झंझट होता है। तो परमानेंटली इस पर आप सुखाएंगे ना तो आपको टेंशन फ्री रहेंगे, चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए, आप इजीली इसको मतलब हैंडल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बस इस पर एक एक करके कपड़ा डालूंगी, मतलब डालना में भी बहुत ही ईजीली था कि ईजी आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं, और इतना नीचे था कि कोई बच्चा भी यहाँ पर आराम से कपड़े सुखा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारे कपड़ों को डाल दूंगी, और मतलब सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये इतना लाइट वेट है कि आप इसको इधर उधर आराम से मूव कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी जगह पर आपको खिसका के तरह से उधर ले जाना है तो आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से पहले मैं सारे कपड़े, मतलब काफ़ी ज़्यादा कपड़े इस पर आ जाएंगे, क्योंकि जो आपको साइड वाले स्टैंड दिख रहे हैं उस पर भी आप कपड़े सुखा सकते हैं, साथ में आपको इतने सारे मतलब दिए हुए हैं तो आप आराम से इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े सुखा सकते हैं। तो अब मैं आपको देखिए इसको हैंडल करके दिखा रही हूँ कि कितना इजी है इसको कैरी करना, हम इधर उधर आसानी से इसको खिसका पा रहे हैं। और अगर बारिश है तो अगर आपको इसको अंदर ले जाना है तो बहुत ही आसानी से आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं। तो मतलब आपको बेड पे सोफे पे डालने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से इसको ले जाएं और कहीं भी पंखे के नीचे आप इसको रख दें तो आपके कपड़े ईजिली सूख जाएंगे। सिर्फ ये बारिश की बात नहीं है, ये ठंडों में भी बहुत ही काम का है, क्योंकि ठंड में भी, बारिश हो ना हो, ठंड में भी हमारे कपड़े नहीं सूखते, तो हम इस तरीके से फ़ैन के नीचे इसको रख सकते हैं इजीली स्टैंड को, तो आपके कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फ़ैन के नीचे रख दिया है, और देखिए मेरे रूम में ही ना इतने कम स्पेस में ये आ गया है स्टैंड, और इजीली मैं इसको खिसका पाई हूँ। और बारिश हो या सर्दी का मौसम, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री सोइए, रात में भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बारिश आ गई तो कपड़े भीग जाएंगे, आराम से बारिश को इन्जॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।